गुरु रविदास जी 15वीं 16वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। निगुण संप्रदाय के ये एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविदास जी बहुत अच्छे कवित्ज्ञ थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों, समाज एवं देश के कई लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक संदेश दिया। रविदास जी की रचनाओं में उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की झलक साफ दिखाई देती थी। वे अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताते थे और उनसे जुड़ने के लिए कहते थे। आम लोग उन्हें मसीहा मानते थे क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य किए थे। कई लोग इन्हें भगवान की तरह पूछते थे और आज भी पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में, जहां आज मैं आपको गुरु रविदास जी का जीवन परिचय व जयंती बताने जा रही हूं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास सीर गोवर्धन गाँव में हुआ था। इनकी माता कालसी देवी एवं पिता संतोख दास जी थे जो चमार जाति के थे। रविदास जी के जन्म पर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग का मानना है इनका जन्म 1376 से लेकर 1377 के आसपास हुआ था। कुछ कहते हैं 1399 CE में हुआ था। कुछ दस्तावेजों के अनुसार रविदास जी ने 1450 से 1520 के बीच अपना जीवन धरती में बिताया था। इनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान कहा जाता है। रविदास जी के पिता राजानगर राज्य में सरपंच हुआ करते थे। इनका जूते बनाने और सुधारने का काम हुआ करता था। रविदास जी बचपन से ही बहुत बहादुर और भगवान को बहुत मानने वाले थे। रविदास जी को बचपन से ही ऊंची जाति वालों की हीन भावना का शिकार होना पड़ा था। वे लोग हमेशा इस बालक के मन में उसके नीच जाति होने की बात डालते रहते थे। रविदास जी ने समाज को बदलने के लिए अपनी कलम का सहारा लिया। वे अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन के बारे में लोगों को समझाते, लोगों को शिक्षा देते कि इंसान को बिना किसी मतभेद के अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। रविदास जी की शिक्षा। बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे। कुछ समय बाद ऊंची जाति वालों ने उनका पाठशाला में आना बंद करवा दिया था। पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी की प्रतिभा को जान लिया था। वे समाज की ऊंच नीच बातों को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि रविदास भगवान द्वारा भेजा गया एक बच्चा है, जिसके बाद पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी को अपनी पर्सनल पाठशाला में शिक्षा देना शुरू कर दिया। वे एक बहुत प्रतिभाशाली और होनहार छात्र थे। उनके गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे ज्यादा वे अपनी समझ से शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। पंडित शारदानंद जी रविदास जी से बहुत प्रभावित रहते थे। उनके आचरण और प्रतिभा को देख वे सोचा करते थे कि रविदास एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु और महान समाज सुधारक बनेगा। संत रविदास का आगे का जीवन। रविदास जी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, भगवान राम के रूप के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती जाती है। वे हमेशा राम रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्ण, हरि गोविंद आदि शब्द उपयोग करते थे, जिससे उनकी धार्मिक होने का प्रमाण मिलता था। रविदास जी मीराबाई के धार्मिक गुरु हुआ करते थे। मीराबाई राजस्थान के राजा की बेटी और चित्तौड़ की रानी थी। वे रविदास जी की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थी और वह उनकी एक बड़ी अनुयायी बन गई थी। मीराबाई अपनी रचनाओं में लिखती हैं, उन्हें कई बार मृत्यु से उनके गुरु रविदास जी ने बचाया था। रविदास जी सामाजिक काम। लोगों का कहना है भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए रविदास जी को धरती में भेजा था, क्योंकि इस समय पाप बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म के नाम पर जाति रंग भेद करते थे। रविदास जी ने बहादुरी से सभी भेदभाव का सामना किया और विश्वास एवं जाति की सच्चाई परिभाषा लोगों को समझाई। वे लोगों को समझाते थे कि इंसान जाति, धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता है, बल्कि वो अपने कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं। रविदास जी ने समाज में कुछ छुआछूत के प्रचलन को भी खत्म करने की बहुत प्रयास किए। उस समय नीची जाति वालों को बहुत नकारा जाता था।
उनका मंदिर में पूजा करना, स्कूल में पढ़ाई करना, गांव में दिन के समय निकलना पूरी तरह से वर्जित था। यहाँ तक कि उन्हें गांव में पक्के मकान की जगह कच्चे झोपड़े में ही रहने को मजबूर किया जाता था। समाज की ये दुर्दशा देखकर रविदास जी ने समाज से छुआछूत भेदभाव को दूर करने की ठानी और समाज के लोगों को सही संदेश देना शुरू किया। रविदास जी लोगों को संदेश देते थे कि भगवान ने इंसान को बनाया है, ना कि इंसान ने भगवान को। इसका मतलब है हर इंसान भगवान द्वारा बनाया गया है और सबको धरती में समान अधिकार है। संत गुरु रविदास जी एक भाईचारे और सहिष्णुता के बारे में लोगों को विभिन्न शिक्षाएं दिया करते थे। रविदास जी द्वारा लिखे गए पद, धार्मिक गाने एवं अन्य रचनाओं को पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे ग्रंथ में शामिल किया था। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के अनुयायियों को रविदास से और उनके उपदेशों के संग्रह से रविदास से पंथ कहते हैं। रविदास जी का स्वभाव। रविदास जी को उनकी जाति वाले भी आगे बढ़ने से रोकते थे। शूद्र लोग रविदास जी को ब्राह्मण की तरह तिलक लगाने, कपड़े एवं जनेऊ पहनने से रोकते थे। गुरु रविदास जी इन सभी बात का खंडन करते थे और कहते थे सभी इंसान को धरती पर समान अधिकार है, वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ कर सकता है। उन्होंने हर वो चीज जो नीची जाति के लिए मना थी करना शुरू कर दिया, जैसे जनेऊ धोती पहनना, तिलक लगाना। ब्राह्मण लोग उनके इस गतिविधियों के सख्त खिलाफ थे। उन लोगों ने वहां के राजा से रविदास जी के खिलाफ शिकायत कर दी थी। रविदास जी सभी ब्राह्मण लोगों को बड़े प्यार और आराम से इसका जवाब देते हैं। उन्होंने राजा के सामने कहा कि शूद्र के पास भी लाल खून है, दिल है, उन्हें बाकियों की तरह समान अधिकार है। रविदास जी ने भरी सभा में सबके सामने अपनी छाती को चीर दिया और चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की तरह चार युग के लिए क्रमशः सोना, चांदी, तांबा और कपास से जनेऊ बना दिया। राजा सहित वहां मौजूद सभी लोग बहुत शर्मसार और चकित हुए और उनके पैर छूकर गुरुजी को सम्मानित किया। राजा को अपनी बचकानी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने गुरु से माफी मांगी। संत रविदास जी ने सभी को माफ कर दिया और कहा जनेऊ पहनने से किसी को भगवान नहीं मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आप सभी लोगों को वास्तविकता और सच्चाई को दिखाने के लिए इस गतिविधि में शामिल किया गया है। उन्होंने जनेऊ उतार कर राजा को दे दिया और इसके बाद उन्होंने कभी भी जनेऊ पहनना न तिलक लगाया। रविदास जी के पिता की मृत्यु। रविदास जी की पिता की मौत के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी ताकि वह गंगा के तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। ब्राह्मण इसके खिलाफ थे क्योंकि वह गंगा जी में स्नान किया करते थे और शूद्र का अंतिम संस्कार उसमें होने से वह प्रदूषित हो जाती। उस समय गुरुजी बहुत दुखी और असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन इस घड़ी में भी उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और भगवान से अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया। नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगता है। फिर अचानक पानी की एक बड़ी लहर मृत शरीर के पास आई और अपने में सारे अवशेषों का अवशोषित कर लिया। कहते हैं तभी से गंगा नदी विपरीत दिशा में बह रही है। भारत के इतिहास के अनुसार बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था, जिन्होंने 1526 से पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर गुरु रविदास जी के आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। वो उनसे मिलना चाहते थे। फिर बाबर हुमायूं के साथ उनसे मिलने जाते हैं तो वो उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान देते हैं। गुरु जी उसे आशीर्वाद देने की जगह उसे दंडित करते हैं क्योंकि उसने बहुत से मासूम लोगों को मारा था। गुरु जी बाबर को गहराई से शिक्षा देते हैं, जिससे प्रभावित होकर बाबर रविदास जी की अनुयायी बन जाता है और अच्छे सामाजिक कार्य करने लगता है। रविदास जी की मृत्यु। रविदास जी की सच्चाई, मानवता, भगवान के प्रति प्रेम, सद्भावना, दिन पे दिन उनकी अनुयायी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण उनको मारने की योजना बना रहे थे। रविदास जी के कुछ विरोधियों ने एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने गांव से दूर सभा आयोजित की और उसमें गुरु जी को आमंत्रित किया। गुरु जी उन लोगों की इस चाल को पहले ही समझ जाते हैं। गुरु जी वहाँ जाकर सभा का शुभ आरंभ करते हैं। गलती से गुरु जी की जगह उन लोगों का साथी भल्ला नाथ मारा जाता है। गुरु जी थोड़ी देर बाद जब अपने कक्ष में शंख बजाते हैं तो सब अचंभित हो जाते हैं। अपने साथी को मरा देख वे बहुत दुखी होते हैं और दुखी मन से गुरु जी के पास जाते हैं।
रविदास जी के अनुयायियों का मानना है कि रविदास जी 120 या 126 वर्ष के बाद अपने शरीर को त्याग देते हैं। रविदास जयंती को माघ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रविदास शिष्य समुदाय के लिए इस दिन वार्षिक उत्सव होता है। वाराणसी में इनके जन्म स्थान श्री गुरु रविदास जन्म स्थान में विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां लाखों की संख्या में रविदास जी के भक्त वहां पहुंचते हैं। इस साल रविदास जयंती कब मनाई जाएगी, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सिख समुदाय द्वारा जगह जगह नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है, स्पेशल आरती की जाती है। रविदास जयंती मनाने का उद्देश्य यही है कि गुरु रविदास जी की शिक्षा को याद किया जा सके, उनके द्वारा दी गई भाईचारे शांति की सीख को दुनिया वाले एक बार फिर अपना सके। वाराणसी में रविदास जी की याद में बहुत से स्मारक बनाए गए हैं, रविदास पार्क, रविदास घाट, रविदास नगर, रविदास मेमोरियल गेट आदि। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।